शांति शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति आप शांति शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति काम शांति क्रोध शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु 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 जिन छात्रों का आज समावर्तन है वे अग्निहोत्र संपन्न कर सूर्योदय के पूर्व अपने अपने कक्ष में चले जाएं और सूर्यास्त के पश्चात ही कक्ष से बाहर निकलें। जिन छात्रों का आज समावर्तन है वे अग्निहोत्र संपन्न कर सूर्योदय के पूर्व ही अपने अपने कक्ष में चले जाएं व सूर्यास्त के पश्चात ही कक्ष से बाहर निकलें। सभी उपस्थित व्यक्ति अपना व अपने साथ लाए पड़े का संपूर्ण विवरण दवारी को लिखाएं। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप स्वयं उत्तरदायी रहेंगे। देवी, तक्षशिला के प्रसिद्ध श्रेष्ठी अष्टावक्र अपने बहुमूल्य पढ़ने के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा जाए। जो आज्ञा देवी। दासी, इस कृपा के लिए मैं देवी का आभारी रहूंगा। देवी की सेवा में ये समुद्र के मोती उपस्थित कर रहा हूं। ताम्रपर्णिक नदी के संगम से उपलब्ध ये मोती हैं। पांडेवाटक, पाशिक्य, चौरणेय व कर्दमिक मोती भी हैं मेरे पास। यदि देवी अभिलाषा व्यक्त करें तो कौलेय वह हेमवत मोती भी देवी की सेवा में उपस्थित कर सकता हूं। सभी मोती दोष रहित हैं देवी। मोतियों की मालाएं भी हैं मेरे पास।
कक्ष में। क्षमा करें देव, पर नगर की ओर कैकेय का सैन्य बढ़ रहा है। ऐसी सूचना सीमा रक्षक लाया। दुष्ट पर्वतेश्वर ने हमारे साथ धोखा किया है। द्वारपाल, अंतपूर्व नगर के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं और कैकेय को उसके आक्रमण का प्रत्युत्तर दिया जाए। कुमार, महाराज पर्वतेश्वर सीमा रक्षकों का सम्मान करते हैं, अब भी उनसे वार्ता कर विवाद समाप्त कर। मैं भारत का द्वारपाल नहीं हूँ पिताजी, जो पर्वतेश्वर की सभा में खड़ा होकर उसे प्रणाम करूं। कहाँ लुप्त हो गए थे आप मंत्रीवर? सूर्योदय से पूर्व मंत्रीवर गुप्त रूप से नगर से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। अरे मूर्खो, ये समय किसी को बंदी बनाने का नहीं है। सेनापति सीरन कहाँ है मंत्रीवर? मैं नहीं जानता देव। मंत्रीवर को मुक्त करो और सेनापति सीरन को ढूंढो, शीघ्रता करो। समस्त राजपदाधिकारियों को सतर्क कर दिया जाए, अविलंब युद्ध की घोषणा की जाए, शीघ्रता करो। Yeah!
तुम मुक्त हो सेनापति। सेनापति नाम मतलब तुम सेनापति का। मर गया वो तुम्हारे लिए। स्त्री नहीं है तू, बेड़ी है, पतन का मार्ग है तू। सिर्फ प्रेम का नाटक करती थी। नाटक करते करते तुमसे सचमुच प्रेम करने लगे हूँ सेनापति। इसीलिए मुझे उस तहखाने में ढकेल दिया था मरने के लिए। क्या मिला इस कृत्य के बदले तुझे? कलंकिनी, और किसके साथ प्रेम का निर्वाह करने के लिए ढकेल दिया था मुझे उस अंधे कुएं में? जाओ सेनापति, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, पर एक बात सुनते जाओ। कल प्रातः मैं केकई के लिए तक्षशिला छोड़ दूंगी। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। अंतिम क्षण तक नगर द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी।
मैं महाराज पर्वतेश्वर से तुम्हें पुरस्कार के रूप में मांग लूंगी सेनापति। क्या केकई ने तक्षशिला पर आक्रमण किया? शुभदेव, क्या केकई ने तक्षशिला पर आक्रमण किया? पूछ रहे थे ना, किससे प्रेम के निर्वाह के लिए मैंने तुम्हें अंधे कुएं में धकेला? मैंने अपनी मातृभूमि के कैसे प्रेम का निर्वाह किया है सेनापति? ये तुमने क्या किया शुभदेव? मैंने अपने दायित्व का निर्वाह किया है सिंहरण। अब तुम जा सकते हो, जाओ वरना कहीं तुम्हें खो देने के डर से मैं तुम्हारी हत्या न कर बैठूं। मेरे लिए आत्महत्या के अतिरिक्त और कौन सा रास्ता छोड़ा है तुमने शुभदेव? किस मुंह से अंबिराज के समक्ष जाऊं? निर्णय तुम्हें करना है सेनापति। पिताजी, ये सब तेरे भाई की मूर्खता का परिणाम है। केकयराज ने आप पर तू कहां थी बेटी? गुरुकुल। एकत्र त्याग घातौ च, एकत्र त्याग घातौ च, एकत्र त्याग घातौ च, कूटयुद्धस्य मातृका, कूटयुद्धस्य मातृका, कूटयुद्धस्य मातृका, योगगूढोपजापार्थम्, 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 तूष्णीयुद्धस्य लक्षणम्, तूष्णीयुद्धस्य लक्षणम्, तूष्णीयुद्धस्य लक्षणम्। किसी देश या समय को निश्चित कर जो युद्ध घोषणा की जाती है उसे प्रकाश युद्ध कहते हैं। दुर्गों को जलाना, लूटपाट करना, व्यसन अथवा प्रमाद के समय शत्रु को पीड़ित करना, एक स्थान का युद्ध छोड़कर दूसरे स्थान से धावा बोलना, यह कूट युद्ध कहलाता है। विष अथवा औषधि के प्रयोग के द्वारा अथवा गुप्तचरों के उपजाव द्वारा शत्रु का विनाश करना तूष्णी युद्ध कहलाता है। आचार्य, कुलपति ने पाठ विराम के लिए कहा है। तक्षशिला पर केके का आक्रमण हुआ है। आज यहीं विराम करते हैं। ओम।
स्वागत है केके के वीरों का। केके का मंत्री इंद्रदत्त अंभिराज को प्रणाम करता है। केके का सेनापति व्याघ्रपद आपको प्रणाम करता है। प्रणाम कुमार। केके के वीर आसन ग्रहण करें। आप हमारे पूज्य हैं अंभिराज, हमें आसन की नहीं आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। तक्षशिलाधीश, हम यहां मंत्रणा के लिए, मित्रता के लिए आए हैं। कुमार की उपस्थिति पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अंत में कुमार को ही तो हमारे संबंधों का निर्वाह करना है। कुमार बैठिए मंत्रीवर। बैठिए कुमार। पिता के समक्ष पुत्र खड़ा नहीं रहता, वैसे भी मैं तुम्हारे पिता समान हूं। तक्षशिलाधीश, महाराज पर्वतेश्वर ने आपको प्रणाम कहा है। पर्वतेश्वर को इस विजय की बधाई देना मंत्रीवर। तक्षशिला की पराजय में केकई की विजय नहीं हो सकती देव, यह हमारी पराजय है तक्षशिलाधीश, कि हम दो राज्यों के भविष्य का निर्णय शांति से नहीं शस्त्रों से करते हैं। कब तक हम निर्दोषों का रक्त बहा अपने माथे पर तथा कथित विजय का तिलक लगाते रहेंगे। रक्त आप बहा रहे हैं मंत्रीवर। कुमार, आप सर्वथा निर्दोष तो नहीं है कुमार। केकई को तक्षशिला की भूमि की चाह नहीं है, जो भूमि आपकी है वो आप ही की रहेगी। दूसरों की भूमि पर अधिकार करना हमारी संस्कृति नहीं है कुमार। इसके लिए मैं दोषी हूं मंत्रीवर। प्रश्न आपके दोषी होने या नहीं होने का नहीं है अंबिराज, प्रश्न भारत की सीमाओं की सुरक्षा का है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। यदि इसी प्रकार सीमा प्रदेशों में संघर्ष चलता रहा तो वे सुरक्षित नहीं रहेंगे कुमार। आपके कथन में गांधार के सीमा प्रदेशों को हड़प करने की इच्छा ही व्यक्त हो रही है। आप केकई को गलत समझ रहे हैं कुमार। तक्षशिला के हित में ही केकई का हित है। यदि तक्षशिला सुरक्षित रहेगी तो केकई भी सुरक्षित रहेगा। पर आपके राज्य में केकई के विरुद्ध विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन मिलता है, जिसका केकई खुलकर विरोध करता है। आप तक्षशिला पर आरोप लगा रहे हैं। आप तक्षशिला नहीं है कुमार, मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं। आप संधि की बात करने आए हैं या आरोप लगाने? यदि केके राज अंबिराज का सम्मान नहीं करते तो मैं आज आपसे एक विजेता की तरह बात करता कुमार। तुम बाहर जाओ कुमार। मैं तो यहां ठहरना भी नहीं चाहता था। मेरे पुत्र को क्षमा करना मंत्रीवर, असहाय हूं, पर पर्वतेश्वर से निवेदन करना कि भविष्य में शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। एक बूढ़े विवश पिता की ओर से पर्वतेश्वर से क्षमा मांगना। आप हमें लज्जित कर रहे हैं तक्षशिलाधीश। समावर्तन के अवसर पर इतना अवश्य कहूंगा कि जिस क्षण से गुरुकुल ने तुम्हें स्नातक घोषित किया उसी क्षण से तुम्हारी दूसरी परीक्षा प्रारंभ हो गई है। अब देखना यह है कि गुरुकुल की शिक्षा को कितना तुम अपने जीवन में उतार पाते हो। सत्यनिष्ठ मूल्यों को आदर्श की संज्ञा दे, अपने सुखों के समाधान के लिए उनसे बचने का प्रयास करोगे तो यह आडंबर होगा। सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर अपने कुल और राष्ट्र का गौरव बढ़ाना, यही गुरुकुल की तुमसे अपेक्षा है। ओम। ओम।
सर्वापि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उपस्थास्ते अनमिवा अयक्ष्मा, अस्मभ्यं सन्तु पृथ्वी प्रसुता, दीर्घनायु प्रतिबुद्धिमाना, वयं तुष्यं बलहृतस्याम। ओम। हमसे भाग्यशाली हैं वे जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया है, जहां स्वर्ग और मुक्ति का द्वार है। ईश्वर भी इन्हीं शब्दों में भारतवर्ष की महिमा का गान करते हैं। पवित्रता, त्याग और साहसियों की भूमि, ज्ञान विज्ञान कला व्यापार व औषधियों से परिपूर्ण भूमि, हमारे पूर्वजों की कर्म भूमि, जहां दानवी शक्तियों को दैवी शक्तियों ने पराजित किया, उत्तुंग शिखरों व सुंदर वनों से आच्छादित, पवित्र आनंद शौर्य उत्सर्ग राष्ट्र भक्ति श्रेष्ठ गुणों व दया के लिए प्रसिद्ध भूमि, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ भारत भूमि, और उसी भारत भूमि के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की भावना के साथ मां भारती के पुत्र आज अपनी अपनी जन्मभूमि वापस जाएंगे। पर मैं आज यहां से किसी मागध, किसी मालव, किसी लिच्छवी, किसी कुरु, किसी पांचाल को नहीं जाने दूंगा। आज यहां से सिर्फ भारतीय जाएगा। अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले और अनेक प्रकार के धर्मों को धारण करने वाले जन समूहों को भारत भूमि एक घर में निवास करने वाले सहोदरों के समान धारण करती है। हमारी मातृभूमि राजनैतिक रूप से अनेक महाजनपदों में बटी अवश्य है, पर सांस्कृतिक रूप से वह एक है। एक ही संस्कृति के प्रवाह में मां भारती के पुत्र पल्लवित हो रहे हैं, तो जनपदों की सीमाएं उन्हें कैसे बांट सकती हैं? मैं सावधान कर रहा हूं मेरे सामने बैठे भरत पुत्रों को कि जनपदों की सीमा के आधार पर भारतीयों को बांटने का प्रयास मत। संस्कृति के सूत्र को संभाल कर रखना जो मानव को मानव से जोड़ता है, क्योंकि देख रहा हूं कि जनपदों की राजनीति मानव को मानव से तोड़ रही है। अतः राजनीति के उस दायित्व का निर्वाह अब संस्कृति को करना होगा, संस्कृति को ही सेतु बनाना होगा, क्योंकि संस्कृति कोई भाषा नहीं है, संस्कृति कोई जाति नहीं है, संस्कृति कोई धर्म नहीं है। भारतीय आध्यात्म तो दावे के साथ कहता है कि मानव का ईश्वर से एकाकार निश्चित है, पर उससे पहले मानव का मानव से एकाकार तो हो। क्या जनपदों की सीमाएं मानव को मानव से मिलने से रोक सकती हैं? और यदि ऐसा है तो उन सीमा रेखाओं को मिटाना है जो हमारे हृदयों पर अंकित हैं। जब स्नातक यहां से जाएं तो जितने जोर से हो सके गाएं हमारी सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता का स्वर, समवेत स्वर, ताकि गुरुकुल के आचार्यों को विश्वास हो कि उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया है, उसे खंड खंड में बांटा नहीं है। मां भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। उत्थिष्ठ भारत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। आचार्य, आचार्य विष्णुगुप्त, द्वार खुला है, भीतर आ सकते हो। आचार्य, मैं इंद्रदत्त। मैं कुलपति से क्षमा मांग कर आ रहा हूं। तक्षशिला के विजेताओं को एक शिक्षक के कक्ष में प्रवेश करने के लिए अनुमति मांगनी पड़ रही है। तुम तो सैन्य बल के साथ भी आ सकते थे इंद्रदत्त। भीतर आओ।
जल पियोगे? नहीं। भोजन किया? हाँ। फल खाओगे? कुछ और नहीं पूछ सकते तुम। कह कह के मंत्र से और क्या पूछूं? तुम इतने कठोर तो नहीं थे विष्णु। तुम किसी और रूप में आए होते तो तुमसे बहुत कुछ पूछता, तुमसे बहुत कुछ पूछना था। वर्षों बाद आए और वह भी आक्रांता के रूप में। ये आक्रमण अनिवार्य था विष्णु। कब तक एक जनपद दूसरे जनपद से लड़ता रहेगा? कब हम जनपदों की मानसिकता से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों के लिए विचार करेंगे? पर संघर्ष के भय से कोई जनपद अपने अधिकार तो नहीं छोड़ सकता। जनपदों के संघर्ष में राष्ट्रीयता दम तोड़ देती है नरदत्त। जनपदों की यह स्वकेंद्रित राजनीति राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक होगी। यही संघर्ष एक दिन राष्ट्र को पतन के कगार पर ला खड़ा करेगा। एक बात पूछूं विष्णु? पूछो। कोई राजनीतिक सृष्टि तुम्हारे मन के प्रांगण में आकार तो नहीं ले रही है? राजनीति में मेरा क्या स्थान है इंद्रदत्त? मैं तो एक शिक्षक हूं। इसलिए मैं तुमसे डरता हूं। सच? तो मुझे भी किसी राज्य का मंत्री बना दो। इस वर्ष मगध जा रहे हो? विचार कर रहा हूं। तुम कह कह कब जा रहे हो? कल ही जा रहा हूं। आज्ञा दो आचार्य। बहुत याद आते हो विष्णु। होगा पिताजी, उठिए और धैर्य के साथ इस सत्य को स्वीकार कीजिए। चलिए पिताजी। तुम मुझे कहां ले जाना चाहती हो अलका? सेनापति सिंहरण आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब वो यहाँ क्या कर रहा है? तक्षशिला को उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं। वो आपसे मिले बिना नहीं जाएगा। उसे जाने के लिए कह दो अलका। यदि आपने और देर की तो वो अपना सिर कटवा कर रहेगा, पर आपसे मिले बिना नहीं जाएगा। प्रहरियों से लड़कर अपनी जान पर खेल कर वो आपसे मिलने आया है। उससे मिल लीजिए पिताजी। उसे यहीं ले आओ। शिला का अपराधी हूं देव, मेरा वध कर दीजिए। मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अपने वधिकों से कहकर मेरा वध करवा दीजिए। मैं घोर पातकी हूं, मुझे ठोकर मारी है देव। अपने प्रहरियों को मुझे पैरों से कुचल कुचल कर मारने का आदेश दीजिए। मुझे जीवित जमीन में गड़वा दीजिए, मुझे जीवित मत छोड़िए थे। मुझे मारिए थे, मुझे मारिए। तुम जीवित रहो, यही तुम्हारा दंड है सिमरन।
दया का पात्र नहीं हूं देव, मुझे जीवित मत छोड़िए। कोई मुझे मारता क्यों नहीं, मुझे कोई मारता क्यों नहीं? जाओ सेना, तुम मुक्त हो। Shatam